अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज। फेमिनिज्म एक्चुअली था क्या? 18वीं सदी में बहुत सारे इंग्लैंड के राइटर्स ने जो है वो एक मुहिम चलाई थी कि जो वुमेन्स हैं उनको मेंस के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो वुमेन के राइट्स के लिए जो थ्योरी पेश की गई थी उसको फेमिनिज्म कहते हैं। उसमें इस्टेब्लिशिंग, डिफेंडिंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स फॉर वुमेन एंड वुमेन सफरिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये फेमिनिज्म में उन्होंने डिस्कस की थी। हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। चार्ल्स फॉरियर 1837 इज़ अ क्रेडिट हैविंग कॉइन द वर्ड फेमिनिज्म। चार्ल्स फॉरियर जो है उन्होंने 1837 में जो है सबसे पहले वर्ड फेमिनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको जो है इसका क्रेडिट जाता है चार्ल्स फॉरियर को। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं वेव्स। फेमिनिज्म को जो है वो फेमिनिज्म की 3 वेव्स हैं और जिस वे में अब हम रह रहे हैं 20th century में उसको 4th वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। फर्स्ट वेव जो है वो मिड 19th टू अर्ली 20th तक थी। द फर्स्ट वेव ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिज्म पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन्वॉल्व कैंपेन्स फॉर वोट एंड इक्वालिटी। फर्स्ट वेव जो थी उसमें जो राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो औरतें हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए मेंस के, उनको वोट देने का हक होना चाहिए। इसके अलावा जो काम वो औरतें नहीं कर सकती मर्द करते हैं, औरतों को भी हक होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से वो काम कर सकें। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में उन्होंने ये बातें, ये जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सेकेंड वेव जो है वो 1960 तक थी। इन 1960 ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अ रिमार्केबल इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री हैड हैपेंड, द एंड ऑफ पैट्रियार्की। सडनली वुमेन बिकेम एक्टिव इन पॉलिटिक्स, डिमांडेड एंड वन द राइट्स टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टू अ कैरियर, टू इजी डिवोर्स। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो है उन्होंने डिस्कस किया था कि पहले ये होता था ना कि मर्द जो है वो औरत को डाइवोर्स दे सकता था, औरत जो है वो खुद से नहीं केस दायर कर सकती थी कि उसको डाइवोर्स चाहिए या वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। औरतों को एजुकेशन में बहुत पीछे रखा जाता था, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अलाउ थी, औरतें को एजुकेशन नहीं थी इतने ज़्यादा, तो औरतों को इक्वालिटी नहीं थी। तो उस टाइम फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि मर्द जो है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है तो औरतों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, औरतें भी इंटेलेक्चुअल है वो कर सकती हैं। सडनली वुमेन बिगेन वोटिंग डिफरेंटली विद टू मैन। और फिर अचानक से जो है वो इनकलाब आया और लोगों ने इस बारे में सोचा और उनकी फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो कामयाब हुई और औरतों को जो है वो मैन के इक्वल जो है वो वोट मिलना शुरू हो गए। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को बिग हिट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे काम जो है वो हो गए थे। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज अ सडन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या होता है कि औरतों को अचानक से मतलब हुकूमती सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो राइट्स मिल गए थे, वो रिप्रेजेंट हुई थी, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया था। थर्ड वेव फेमिनिज्म डील्स विद इश्यूज विच अपीयर टू लिमिट और ऑप्रेस वुमेन। जो इश्यूज थे जिसमें औरतों को हरासा करना, उनको नीचा दिखाना, ये सारे जो इश्यूज थे इनको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिस्कस किया गया था। कहा जाता था कि औरत जो है वो सिर्फ घर पे रहेगी, वो घर के काम करेगी, घरदारी संभालेगी, किचन के काम करेगी, वो एजुकेशन नहीं ले सकती, वो मतलब जॉब नहीं कर सकती, एम्प्लॉयमेंट की इजाज़त नहीं थी औरतों को, सिर्फ मर्दों को इस दर्जे पे रखा जाता था। तो जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसमें इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था। जेंडर वायलेंस हैज़ बिकम अ सेंट्रल इशू फॉर थर्ड वेव फेमिनिज्म। जेंडर वायलेंस जो है वो थर्ड वेव फेमिनिज्म का सेंट्रल इशू था, मतलब कि
थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जेंडर वायलेंस को मेन डिस्कस किया गया था कि औरतों के साथ जो है वो वायलेंस किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। औरतों को भी मर्दों के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। उन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये भी कहा गया था कि औरतों की चॉइस है, वो जो काम करना चाहे वो कर सकती है, जो काम वो नहीं करना चाहती वो नहीं कर सकती, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। उसके बाद है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी इज़ एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिज्म इनटू थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल फील्ड्स। इट इकम्पासिस वर्क इन अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ वुमेन स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये फेमिनिस्ट थ्योरी में डिस्कस किए गए। फेमिनिस्ट थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड अंडर inequality and focuses on gender politics, power relations, while providing a critique of these social political relations. Much of feminist theory also focus on women interest and rights. Feminist theory जो है वो understand करती थी जो inequality थी, मतलब कि मर्द और औरत के दरमियान में जो inequality का concept था उसको understand किया feminist theory ने, and focus on gender politics, power relations, और इस बात पे फोकस किया कि जेंडर इक्वालिटी होने चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म इट सीक्स इंडिविजुअलिस्ट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन थ्रू पॉलिटिकल लीगल रिफॉर्म विदाउट अल्टरनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इसमें जो है उन्होंने ये डिस्कस किया कि औरतों का मर्दों के बराबर जो है वो हक मिलने चाहिए पॉलिटिकली एंड लीगल रिफॉर्म, मतलब के लीगल तरीके से सोसाइटी की स्ट्रक्चर पे जो है इसका कोई असर नहीं होना चाहिए कि लोग आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो लीगल वे है गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो औरतों को अप्रूव होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से रह सकती हैं। Butler was one of the best known women in the fields. In 1995 she became the first science fiction writer to receive the MacArthur Fellowship, nicknamed the Genius Grant. इनका बुटलर जो है इसका निकनेम जीनियस ग्रांट था, इसको फर्स्ट साइंस फिक्शन राइटर का टाइटल मिला था। Literature. The feminist movement produced both feminist fiction and non-fiction and created new interest in women's writing. Literature में जो है औरतों ने खुद को मनवाया। पहले जो औरतें थी 18th सेंचुरी की वो नॉवल्स लिखती थी, वो प्रोज लिखती थी, वो जो कुछ भी लिखती थी वो छुप के लिखती थी और छुप के ही उसको पब्लिश करवाती थी। फिर 18th सेंचुरी में बहुत सारी नॉवलिस्ट आई, जैसे कि जेन ऑस्टन ने खुद को मनवाया और वर्जीनिया वुल्फ, इनके प्लेस इनके नॉवेल्स आए और इन्होंने जो है वो उसको पब्लिश करवाया और ये दिखाया कि औरतें भी इंटेलेक्चुअल है, वो कर सकती हैं। तो लिटरेचर में औरतों ने फिर उस टाइम कदम रखा जब उनकी फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो पास हुई और औरतों को जो है गवर्नमेंट लेवल पे हक मिले। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये फर्स्ट बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी, बुक बाय मैरी वॉल्टन क्राफ्ट। मैरी वॉल्टन क्राफ्ट ने जो है ये बुक पब्लिश करवाई थी औरतों के राइट्स के लिए, और इसके बाद ही फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।